हेलो, हेलो, हाँ हेलो हेलो, यस मैम, क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? क्लियर आ रही है मैम। है अब आ बिल्कुल? रही है। हाँ जी, क्लियर है। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ठीक है बेटा, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, अल्लाह का शुक्र मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे तैयारी हो रही है मिर्च की? मैम अभी तो हो रही है। अभी हो रही है? चलें शुरू तो कर दिया ना। यस मैम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, याद है किसी को? अच्छा, याद है किसी को क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? बेटा जवाब तो दिया करें आप लोग। अच्छा, मैम नेचर ऑफ फ्लूड पढ़ा। जी नेचर जो है फ्लूड मीडियम की, हमने उसके बारे में बात की थी कि फ्लूड के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें हमने कहा था कि हमारे लिक्विड और जो एयर है वो दोनों हमारे फ्लूड हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिसके ऊपर जब आप शेयर फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो या वो फ्लो करना शुरू कर दें, तो उनको हम बेसिकली कहते हैं कि वो हमारे जो हैं वो फ्लूड्स हैं। फिर हमने इसमें बात की थी कि फ्लूड जो है उसके फ्लो कौन कौन से हैं, तो हमने कहा था कि लेमिनार फ्लो होता है और टर्बुलेंट फ्लो होता है। फिर हमने बात की थी कि बायंसी क्या है, उसमें हमने कहा था कि हमारी वो जो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स होती है जो कि इक्वल है उस चीज़ के कि जितना हमने वॉल्यूम जो है डिस्प्लेस किया हो वाटर का और जो हमारा जो है वो स्पेसिफिक वेट हो उसके इक्वल है। फिर हमने बात की थी ड्रैग फोर्स की कि ड्रैग फोर्स क्या है, तो हमने कहा था कि जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस होती हैं जो हमारे फ्लो में जो हमारी मूवमेंट को जो है वो लिमिट करें, तो उसमें हमने थ्री टाइप्स पढ़ी थी ड्रैग की कि हमारा एक स्किन फ्रिक्शन होती है, एक हमारा फॉर्म ड्रैग होता है या जिसको हम प्रेशर ड्रैग भी कहते हैं, एक हमारा जो है वो वेव ड्रैग है। इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ आई थी किसी को? नो मैम, आज का जो मैम बेसिक टॉपिक है वो भी हमारा फ्लूड से रिलेटेड है। इसमें हमने बात करनी है लिफ्ट फोर्स की कि लिफ्ट फोर्स क्या होती है, फिर हम बात करेंगे बर्नौली प्रिंसिपल की, फिर हमने इसमें बात करनी है मैग्नेट फोर्स की, मैग्नेट इफेक्ट की, फिर हम इसमें बात करेंगे हमारा जो क्या कहते हैं प्रोपल्शन है एक फ्लूड मीडियम में वो क्या है, प्रोपल्सिव लिफ्ट थ्योरी क्या होती है। तो ये वाली चीज़ें हैं जो हमने आज के लेक्चर में जो है उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिफ्ट फोर्स की। जैसे हमने बात की थी कि हमारा जो ड्रैग फोर्स है वैसे ही हमारी जो है एक लिफ्ट फोर्स जनरेट होती है। लिफ्ट फोर्स बेसिकली क्या है? आप एक फ्लूड में हैं, ठीक है, आपकी जो बॉडी है फ्लूड में, चाहे वो एयर है चाहे वो लिक्विड है, तो आपकी बॉडी जब किसी फ्लूड में है आपकी बॉडी के ऊपर उस टाइम पे कोई फोर्स लगे जो कि परपेंडिकुलर हो आपके फ्लूड के फ्लो के, ठीक है, कि आपका फ्लूड का एक फ्लो है जिसके अंदर आपकी बॉडी है, अब फ्लूड फ्लो के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है उसको हम बेसिकली कहते हैं कि वो हमारी जो है वो लिफ्ट फोर्स है। अब वो जो लिफ्ट फोर्स है वो बेसिकली हमारी किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है, अपवर्ड भी लग सकती है, डाउनवर्ड भी लग सकती है। लिफ्ट का नाम तो बताता है कि अपवर्ड लगनी चाहिए, लेकिन लिफ्ट डाउनवर्ड जो फोर्स होगी उसके लिए भी आप लिफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन माइंड में ये अराइज होता है कि क्या डिफरेंस है लिफ्ट फोर्स में और हमारी जो बायोंसे की फोर्स है। हमने ये बात की थी लास्ट लेक्चर में कि बायोंसे की फोर्स भी वही है जो अपवर्ड एक वर्टिकल फोर्स लगे
जो कि परपेंडिकुलर हो फ्लूइड फ्लो के, तो उसको हमने कहा था कि वो हमारी बायोंसी की फोर्स। लिफ्ट फोर्स में और बायोंसी की फोर्स में फ़र्क ये है कि जो लिफ्ट फोर्स है वो सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड नहीं होती, वो वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक है। वो फ्लूइड फ्लो के परपेंडिकुलर है, बायोंसी की फोर्स भी फ्लूइड फ्लो के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन हमारी जो लिफ्ट फोर्स है वो सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड नहीं लगती जैसे कि हमारी बायोंसी की फोर्स लगे, लिफ्ट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड भी लग सकती है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स, हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो अपवर्ड लगेगी या डाउनवर्ड लगेगी। तो समझ आ गई कि वो फोर्स जो हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट करे किसी फ्लूड में जो कि परपेंडिकुलर हमारे फ्लूड फ्लो के, उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ लिफ्ट फोर्स। अब लिफ्ट फोर्स जो है ये किसी भी डायरेक्शन में लग सकती है और ये हमारे फ्लूड के फ्लो के ऊपर डिपेंड करती है और हमारी बॉडी की क्या ओरिएंटेशन है, ठीक है। बॉडी की ओरिएंटेशन जिस तरह से होगी उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा कि हमारा जो लिफ्ट फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी या उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी कि हमारा जो ड्रैग फोर्स है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन हाफ कोफिशेंट ऑफ ड्रैग डेंसिटी प्रोजेक्टेड एरिया और वी स्क्वायर, सेम इसी तरह से हमारा जो लिफ्ट फोर्स है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन हाफ कोफिशेंट ऑफ लिफ्ट साथ में डेंसिटी और हमारा जो एरिया है जिसके ऊपर हमारा वो लिफ्ट फोर्स जनरेट हो रही है और वी की वेलोसिटी, ठीक है। तो ये लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स जो हैं वो सेम, उनके जो हैं वो हम कह सकते हैं कि फार्मूलाज हैं, बस हमने उसके अंदर जो है वो ड्रैग फोर्स की जगह लिफ्ट फोर्स जो है उसको मेंशन कर दिया है। जैसे हमने बात की थी कि ड्रैग जो फोर्स है उसका जो कोफिशेंट ऑफ ड्रैग है वो भी एक यूनिटलेस नंबर है और ये बताता है कि हमारी बॉडी जो है वो कितना ड्रैग जनरेट कर सकती है। इस तरह से कोफिशेंट ऑफ लिफ्ट भी एक यूनिटलेस नंबर है जो कि बेसिकली बताता है कि हमारी बॉडी जो है वो कितना लिफ्ट जनरेट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली हमारे जो फ्लूइड की फोर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट है या अफेक्ट करते हैं। ये सारे वो हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि बायोंसी की जो फोर्स है वो डिपेंडेंट है हमारे स्पेसिफिक वेट पे और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ठीक है। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में, आप लोगों को तो खैर याद ही नहीं है इसलिए रिलेट करने का फ़ायदा नहीं है कोई, वरना जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने बात की थी कि बायोंसी की जो फोर्स है जिसको हमने एफ पी कहा था वो इक्वल्स थी कि हम उस फ्लूड के स्पेसिफिक वेट को मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस। तो इसका मतलब है जो चीज़ें फार्मूला में होती हैं चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो बायोंसी जो है वो डिपेंडेंट है फ्लूड के स्पेसिफिक वेट के भी और जो वॉल्यूम उसका डिस्प्लेस हुआ है उसके। नेक्स्ट वन हमने बात की थी ड्रैग की, और ड्रैग की हमने थ्री टाइप्स की बात की थी, स्किन फ्रिक्शन, फॉर्म ड्रैग, वेव ड्रैग। स्किन फ्रिक्शन में हमने कहा था कि क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो तो जैसे अभी हमने पीछे बात की कि ड्रैग का फार्मूला ये था कि हाफ कोफिशेंट ऑफ ड्रैग डेंसिटी एरिया और वी स्क्वायर, तो इसका मतलब है वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी, डेंसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, एरिया आ जाएगा। अब जो स्किन फ्रिक्शन है उसमें हमने बात की थी कि जितनी ज़्यादा रफ होती है स्किन उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, तो रफनेस है बॉडी सर्फिस की, विस्कोसिटी है। नेक्स्ट वन है फॉर्म ड्रैग। फॉर्म ड्रैग में हमने बात की थी कि वो ड्रैग जो बेसिकली बनता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, कि जो लीड एंड होता है हमारा और जो रियर एंड है उन दोनों में प्रेशर का डिफरेंस होता है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा जो ड्रैग है वो क्रिएट होता है। तो फॉर्म ड्रैग में बाकी सारी वही चीज़ें हैं, वेलोसिटी है, डेंसिटी है, एरिया है, लेकिन साथ में एडिशनल जो चीज़ है जैसे यहाँ पे रफनेस थी तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है। वेव ड्रैग में हमने बात की थी कि हमारा वेव ड्रैग तब बनता है जब इंटरफेस दो मीडियम का हो, कि लिक्विड एक अलग हमारा फ्लूड है और जो एयर है वो अलग फ्लूड है, जब दोनों फ्लूड्स में इंटरफेस होता है तो उस टाइम पे जो ड्रैग क्रिएट होता है दैट इज़ बेसिकली अ वेव ड्रैग। तो वेव ड्रैग भी वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट है, एरिया पे भी डिपेंडेंट है और विस्कोसिटी पे भी। और आज हमने बात की लिफ्ट फोर्स की, तो लिफ्ट फोर्स में भी हमने बात की कि लिफ्ट फोर्स जो है वो भी वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट है, वी का स्क्वायर था इसके फार्मूला में, इसके फार्मूला में डेंसिटी भी थी, इसके फार्मूला में हमारा जो एरिया है, ठीक है, बॉडी का एरिया, उसका साइज, उसका शेप, उसकी ओरिएंटेशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिफ्ट फोर्स इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली फ्लूइड फोर्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है फॉइल शेप। क्योंकि हम लिफ्ट फोर्स की बात कर रहे हैं और हमने ये बात की थी कि लिफ्ट फोर्स वो फोर्स है जो हमारा जो फ्लूइड का जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर हो रहा है, जैसे फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये ऐसे लग रही है, तो दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे ये फ्लूइड फ्लो है और ये हमारी जो है वो लिफ्ट फोर्स है, तो ये देखें ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रही है,
जो फ्लूइड फ्लो से परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड एज लिफ्ट फोर्स. अब लिफ्ट फोर्स में ये बात है कि लिफ्ट फोर्स कहाँ लगेगी, किस तरह लगेगी, क्या है. लिफ्ट फोर्स बेसिकली उन बॉडीज के ऊपर लगती है मैक्सिमम, वैसे तो बाकियों पे भी लग सकती है जैसे बॉल वगैरह हैं, लेकिन उस पर इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं होती. लिफ्ट फोर्स अच्छी जनरेट उन बॉडीज के ऊपर होती है जिनकी फॉइल शेप, ठीक है, फॉइल शेप जो है ये एक फॉइल है, फॉइल शेप चीज़ है, ये एक फॉइल शेप है. फॉइल शेप चीज़ कैसे होती है, जो नीचे से एक साइड उसकी फ्लैट हो और उसकी दूसरी तरफ जो हो वो कर्व्ड हो, इस तरह की शेप को हम फॉइल शेप कहते हैं. तो फॉइल जो शेप होती है वो ज़्यादा कैपेबल होती है लिफ्टिंग को जनरेट करने की. क्यों? इस वजह से कि ये जो फॉइल होती है, चूँकि इसके दोनों जो बाउंड्रीज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, तो इसकी जो फ्लैट सरफेस होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे वेलोसिटी कम होती है. ठीक है, कि फ्लैट सरफेस के पास से जब पानी गुजरता है तो वेलोसिटी पानी की कम हो जाती है. जहाँ पे पानी की वेलोसिटी कम होती है या फ्लूइड की वेलोसिटी कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है. या आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आपकी वेलोसिटी अफेक्ट होती है, कि आप बहुत स्पीडी मूव नहीं कर पाते. ठीक है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा. इसी तरह से जो इसकी कर्व सरफेस है वहाँ पे प्रेशर कम होता है उन एरियाज में जो कर्व एरियाज होते हैं. तो लो प्रेशर जहाँ होगा वहाँ पे वेलोसिटी हाई होगी. ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड्स का ले लें कि जहाँ पे आपके फ्रेंड्स का ज़्यादा प्रेशर हो वहाँ पे अगर आप अच्छा काम भी करना चाहें आप नहीं कर पाते. ठीक है, कंपनी डज मैटर. आप सोचते हैं आपका पेपर है और फ्रेंड सारे मिलके कह रहे हैं कि यार बाहर घूमने चलते हैं, पहले आप रजिस्टर कर रहे होते हैं कि नहीं यार कल पेपर है ये वो, फिर जब सारे कहते हैं तो आप सोचते हैं कि चलो बस ठीक है मैं जो है ना वो कर. तो हाई प्रेशर जहाँ पे होता है वहाँ पे आप अपना जो है वो ज़्यादा नहीं कर पाते. तो हाई प्रेशर के एरियाज़ में लो वेलोसिटी होती है. जो लो प्रेशर के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हाई वेलोसिटी होती है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रही होती ज़्यादा. ठीक है, तो हमेशा ये प्रिंसिपल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि चीज़ें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करती हैं. तो लिफ्ट की जो फोर्स है वो हमेशा डायरेक्ट होती है फ्रॉम रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ रिलेटिवली लो प्रेशर. तो अगर ऊपर हाई प्रेशर होता तो लिफ्ट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती. ठीक है, क्योंकि हमने बात की है कि लिफ्ट अपवर्ड भी हो सकता है, लिफ्ट डाउनवर्ड भी हो सकता है. इस केस में लिफ्ट अपवर्ड इस वजह से है क्योंकि नीचे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो चीज़ें लिफ्ट होती हैं. ठीक है, तो समझ आ गई कि लिफ्ट वो फोर्स है जो फ्लूइड के परपेंडिकुलर लगेगी, लिफ्ट वो फोर्स है जो फॉइल शेप चीज़ों में ज़्यादा अच्छी जनरेट होती है, इस वजह से कि फॉइल में एक चीज़ जो है सरफेस जो है वो फ्लैट होती है, दूसरी तरफ कर्व्ड होती है. जो फ्लैट सरफेस होती है वहाँ पे प्रेशर हाई होता है, जो कर्व सरफेस होती है वहाँ पे प्रेशर लो होता है. लिफ्ट की डायरेक्शन या लिफ्ट की जो फोर्स है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरिया में लगती है, इस वजह से यहाँ पे लिफ्ट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है. ठीक है, तो ये वाली चीज़ है यहाँ पे कि एयर यहाँ से गुजर रही है, एयर जो है एक फ्लूइड है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रही है विच इज़ कॉल्ड एज लिफ्ट फोर्स. फ्लैट सरफेस के एरिया में प्रेशर ज़्यादा है, कर्व सरफेस के एरिया में प्रेशर कम है. लिफ्ट इस वजह से हाई कंसंट्रेशन से हाई प्रेशर से लो प्रेशर के एरिया की तरफ जो है उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया है. तो ये लिफ्ट फोर्स है. नेक्स्ट वन है बर्नौली प्रिंसिपल. बर्नौली प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? बर्नौली प्रिंसिपल यही है कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, जहाँ पे वेलोसिटी कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है. ठीक है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी एंड द रिलेटिव प्रेशर. रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई वेलोसिटी फ्लूइड फ्लो आर एसोसिएटेड विद रीजन ऑफ रिलेटिवली लो प्रेशर, एंड रीजन ऑफ रिलेटिवली लो वेलोसिटी फ्लो आर एसोसिएटेड विद रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई प्रेशर. ठीक है, वही वाली बात कि दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है. जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे वेलोसिटी कम होती है, जहाँ पे वेलोसिटी कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है. तो जब ये रीजन जो है हाई और लो वाले किसी भी ऑपोजिट साइड ऑफ द फॉइल जो है उसके ऑपोजिट साइड पे जब क्रिएट होते हैं तो लिफ्ट फोर्स जनरेट होती है, जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ जो है उसकी डायरेक्शन होती है, जैसे कि ये. ठीक है, यही वाली बात उसको एक्सप्लेन किया गया. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लिफ्ट फोर्स को अफेक्ट करते हैं? अभी हमने पीछे सारी बात कर ली. जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो लिफ्ट फोर्स जनरेट होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है उतना कम हो जाता है प्रेशर, और प्रेशर ग्रेडियंट जब बढ़ जाएगा, जब दोनों जगह पे डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लिफ्ट फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी. इसके अलावा हमने बात की थी कि कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट जो है वो डेंसिटी पे भी डिपेंडेंट है. तो फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड का सरफेस एरिया,
क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लैट साइड इंक्रीज करेगी सरफेस एरिया में, उतना ज़्यादा प्रेशर उस जगह पे ज़्यादा होगा और उतना ही ज़्यादा जो हमारा लिफ्ट फोर्स है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा लिफ्ट फोर्स जो है वो डिपेंडेंट है कोफिशेंट ऑफ लिफ्ट के ऊपर, जो ये बताता है कि कितना ज़्यादा हमारी जो बॉडी है वो लिफ्ट जनरेट कर सकती है। और लिफ्ट जनरेट होता है शेप के अकॉर्डिंगली, जैसे अभी हमने कहा कि फॉइल शेप जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छा लिफ्ट जनरेट करती है। अब जो ह्यूमन हैंड है वो भी रिजेंबल करता है फॉइल शेप से, ठीक है। तो जब आप उसको लैटरल साइड से देखें तो नीचे से वो बिल्कुल आपको फ्लैट लगता है और ऊपर से जहाँ पे हमारी नकल्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा ये कर्व लगता है। तो ह्यूमन हैंड जो है ये भी हमारा आप कह सकते हैं कि रिजेंबल करता है हमारा जो फॉइल है उसकी उससे, तो इस वजह से हमारे जो स्विमर्स हैं जब वो स्विम करते हैं, ठीक है, तो वो अपने हाथों को पानी के अंदर जो है वो मूव करते हैं। किस तरह की एक स्क्यूलिंग मोशन है बेसिकली, कि हमारे जो स्विमर्स हैं वो हमारे हैंड्स को एक सिंक्रोनाइज मूवमेंट के अंदर मूव करते हैं, जो कि बेसिकली हाथों को पानी के अंदर जो है वो स्लाइस बैक करना होता है बैक एंड फोर्थ, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो पाम है उसके ऊपर परपेंडिकुलर लिफ्ट फोर्स लगती है, ठीक है। तो ये हमारा जो लिफ्ट फोर्स है जो कि हम बार बार सिर्फ सिक्योरिंग मोशन करते हैं हमारे क्या कहते हैं हाथों को मूव करके, तो हमारे जो स्विमर्स हैं इससे इनकी जो बॉडी है ये बड़ी अच्छी जो है वो स्पोर्ट होती है पानी के अंदर इन्वर्टेड पोजीशन में। क्यों? क्योंकि लिफ्ट फोर्स जनरेट होती है इस मूवमेंट की वजह से, अपवर्ड डायरेक्टेड जो फोर्स है वो जनरेट होती है, ठीक है, क्योंकि हैंड जो है वो फॉइल शेप है। हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये स्क्रोलिंग मोशन जो है वो क्या है। होपफुली आप लोगों को जो स्क्रीन है मोशन कहते हैं, सिर्फ आपको दिखाना था कि बेसिकली यहाँ से जो वर्ड लिखा हुआ है स्कूलिंग इससे क्या होगा। अच्छा, डेली लाइफ में हम इसकी क्या क्या एग्जांपल्स दे सकते हैं फॉइल की? आप लोगों ने कभी डिस्कस या जेवलाइन या बॉमरैंग या फ्रिस्बी खेली हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो बिल्कुल जो है वो गोल नहीं होती आपकी फ्रिस्बी, इसमें नीचे से जो एरिया है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, ऊपर वो कर्व होता है, वो बिल्कुल फॉइल शेप होती है। अगर आप लोगों ने कभी खेली हो फ्रिस्बी तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब उसको फेंकते हैं तो उसमें लिफ्ट भी जनरेट होती है, वो बड़ी दूर तक जाती है। इसी तरह से जो बॉमरैंग है, ये जो बंदा खेल रहा है बॉमरैंग, इसको फेंक रहा है, इसको पकड़ रहा है, ये भी फॉइल शेप है। इसमें एक चीज़ जगह बिल्कुल नीचे से फ्लैट होती है और ऊपर से थोड़ी सी जो है वो कर्व्ड होती है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये लिफ्ट को जनरेट करती हैं बेसिकली। और क्यों करती हैं, हमने पीछे देख लिया कि इनमें प्रेशर ग्रेडियंट बनता है इनकी शेप की वजह से। तो जब जहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस आता है तो लिफ्ट फोर्स जनरेट होती है। इसी तरह से जेवलाइन जो है ये राउंड नहीं होता, ये जो बंदा फेंक रहा है इसको जेवलाइन कहते हैं, ये नीचे से बिल्कुल चपटा और ऊपर से ये भी कर्व्ड होता है। तो जेवलाइन की वजह से इसकी जो शेप है ये क्योंकि फॉइल शेप होती है, तो इस वजह से इसके अंदर भी जो लिफ्ट फोर्स है वो जनरेट होती है, ठीक है। यही वो रीज़न है कि हमारी जो बॉल है या जो शूट है ये ज़्यादा क्योंकि रिजेंबल नहीं करती फॉइल से, तो इस वजह से इनके अंदर जो है वो जनरेट नहीं होती लिफ्ट, इनकी शेप जो है वो इस तरह की है, ठीक है। नेक्स्ट वन है एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लिफ्ट फोर्स के साथ है। ऐसा नहीं है कि खाली लिफ्ट फोर्स ही कहीं लगती है, एंगल ऑफ अटैक का अच्छा होना कि आपका एक अच्छा एंगल बनता हो अटैक का, वो बहुत ज़रूरी है लिफ्ट फोर्स को जनरेट करने के लिए। तो अब बात यह राइज होती है कि एंगल ऑफ अटैक बेसिकली क्या है। आपकी बॉडी का एक जो एक्सिस है, ठीक है, एक जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है आपकी बॉडी का, और आपका जो डायरेक्शन है फ्लूइड फ्लो, ये आपकी बॉडी है, आपने इसको जो है वो अलाइन किया हुआ है, ये बेसिकली एक स्काइर है, इसने जंप करना है आगे, ठीक है। तो ये उसने एक पोजिशन एज्यूम की हुई है ताकि वो आगे की तरफ मूव करके जंप कर सके। तो अब ये इसकी बॉडी है, ठीक है, और एक इसका जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, इसका प्राइमरी एक्सिस, और ये देखिए ये एयर की डायरेक्शन है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक इज़ बेसिकली एन एंगल फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी एक्सिस ऑफ ए बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो। तो ये डायरेक्शन है फ्लूइड फ्लो की और ये प्राइमरी एक्सिस है, तो इनके दरमियान में जो एंगल बनता है दिस इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ अटैक, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ऑफ अटैक इज़ बेसिकली आर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ए बॉडी एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन लॉन्चिंग अ लिफ्ट प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्टाइल फॉर मैक्सिमम रेंज। देखें, अब लिफ्ट फोर्स है तो सिर्फ एक लिफ्ट को जनरेट करना है कि वो ऊपर उठा देगा या लिफ्ट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्ट कर रही होगी। एंगल ऑफ अटैक की वजह से एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल
मैंने जेवेलाइन को फेंकना है, अभी हमने पीछे देखा जेवेलाइन थ्रो क्या होता है। अब जब मैंने जेवेलाइन को फेंकना है तो जिसका जितनी दूर जाता है जेवेलाइन वो उतना वो जीत जाता है, ठीक है। जैसे हमारे स्पोर्ट्स वीक होते थे किंग एडवर्ड में, तो हम जेवेलाइन हमारा होता था उसके अंदर जेवेलाइन थ्रो, तो हम फेंकते थे जेवेलाइन, जिसका सबसे दूर जाएगा वो जीत जाएगा। तो लिफ्ट फोर्स ने सिर्फ लिफ्ट जनरेट करनी है कि वो लिफ्ट हो सके, ठीक है, ये वो ज़मीन के साथ रगड़ ना खाए, वो लिफ्ट हो सके। लिफ्ट फोर्स अलग चीज़ है, एंगल ऑफ अटैक लिफ्ट फोर्स के साथ मिलके जो है वो क्या करता है, लिफ्ट फोर्स उसको बस लिफ्ट करके रखती है और एंगल ऑफ अटैक उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसको मैक्सिमम करने में हेल्प आउट करता है। वो जितनी दूर जाके गिरेगा आप उतना जीत जाएंगे। तो बेसिकली जो एंगल ऑफ अटैक है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप एक लिफ्ट को लॉन्च कर सकें। आपने उसको लॉन्च कर दिया, फिर आप उसके बाद उसकी जो मैक्सिमम रेंज है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, उसको कवर कर सके, ठीक है। तो एंगल ऑफ अटैक का पॉजिटिव होना ज़रूरी है ताकि आप लिफ्ट फोर्स को जनरेट कर सके। एंगल ऑफ अटैक नेगेटिव में भी होता है, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उस केस में लिफ्ट फोर्स जो है वो अपवर्ड लिफ्ट फोर्स जनरेट नहीं हो पाती, वो फिर डाउनवर्ड ही होती है लिफ्ट फोर्स जनरेट। तो पॉजिटिव एंगल ऑफ अटैक ज़रूरी है ताकि आपके लिफ्ट फोर्स जनरेट हो सके। और जैसे जैसे आपका एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज करेगा, आपका जो सर्फिस एरिया है, ठीक है, जो कि एक्सपोज था आपके फ्लूड के साथ, वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। जब सर्फिस एरिया बढ़ जाएगा तो आपका ड्रैग जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने बात की थी सरफेस ड्रैग में, या ओवरऑल अगर हम ड्रैग की बात करें तो हमने कहा था कि प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जितना ज़्यादा प्रोजेक्टेड एरिया उतना ज़्यादा ड्रैग। तो आप जितना ज़्यादा आपका एंगल बढ़ता रहता है उतनी ही ज़्यादा आपका जो परपेंडिकुलर एरिया है वो बढ़ता रहता है, जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा फॉर्म ड्रैग बढ़ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि फॉर्म ड्रैग बढ़े, क्योंकि ड्रैग जब बढ़ता है ये रेजिस्टेंस फोर्स है, तो आपकी जो कोई भी चीज़ आप थ्रो कर रहे हैं उसको ज़्यादा दूर नहीं जाने देगा, उसको रेजिस्टेंस देगा, उसकी वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा। तो हमने ये भी देखना होता है कि एंगल ऑफ अटैक ऑप्टिमम हो ताकि लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रैग जो है वो एग्जीक्यूट हो सके, या लीस्ट फॉर्म ऑफ ड्रैग जो है वो आए। अब उसके लिए जो है ये पोजीशंस हैं, शायद इनसे आपको समझ आ जाए। अगर आप फर्स्ट डायग्राम को और से देखें तो यहाँ पे आपकी जो बॉडी है, ठीक है, जैसे हमने इसमें बात की थी कि ये इंक्लाइंड है, जब ये इंक्लाइंड होती है तो आपका अच्छा एंगल ऑफ अटैक बनता है। इस केस में क्या है कि आपकी जो मूविंग चीज़ है, ठीक है, चाहे वो फॉइल शेप है, लेकिन क्या है कि वो आपकी बिल्कुल आपको जो फ्लूड है उसके पैरेलल पड़ी हुई है। अगर ये इंक्लाइंड होती तो ये अच्छा एंगल बनाती। अब इस केस में क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल पड़ी हुई है आपके फ्लूड फ्लो के साथ, तो एंगल ऑफ अटैक ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि इसका जो एक्सिस है वो कोई एंगल नहीं बनाने दे रहा। तो ड्रैग और लिफ्ट फोर्स जो है वो स्मॉलर होंगी, क्योंकि आपका एंगल ऑफ अटैक जो है वो ज़ीरो है। जब एंगल ऑफ अटैक ज़ीरो होता है तो आपका जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा क्रिएट नहीं होता दोनों एंड्स के ऊपर। जब प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा तो लिफ्ट फोर्स भी उस तरह से जनरेट नहीं होगी, क्योंकि लिफ्ट फोर्स तब मैक्सिमम होती है जब आपका प्रेशर डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो। ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें हमने जो फॉइल है उसको थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया। जब ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ है तो आपका जो एंगल ऑफ अटैक है वो बन रहा है, ठीक है। अब जब एंगल ऑफ अटैक बनता है तो ये लिफ्ट को प्रमोट करता है, तो इस केस में एंगल ऑफ अटैक बन रहा है ऑप्टिमम, जो आपकी लिफ्ट को प्रमोट कर रहा है। ये जो थर्ड वन है इसमें जब आपने बहुत ही ज़्यादा बॉडी को इंक्लाइंड कर दिया है तो उस केस में एंगल ऑफ अटैक बहुत ज़्यादा बन रहा है। जब एंगल ऑफ अटैक बहुत ज़्यादा बनता है तो ये जो फ्लूड है जो कि हमारी फॉइल शेप के परपेंडिकुलर जिसको जाना चाहिए था, ये यहाँ पे टर्बुलेंट हो रहा है, यहाँ पे जो है ये वापस मोड़ रहा है, इसके ऊपर से जो है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा। जब आपका फ्लूड फॉइल के ऊपर से प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा तो प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बनेगा, लिफ्ट फोर्स जनरेट नहीं होगी। तो जब एंगल ऑफ अटैक बहुत ज़्यादा होता है तो लिफ्ट फोर्स जनरेट नहीं होती और बस ड्रैग ही ड्रैग होता है, कि फॉर्म ड्रैग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि जब एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज होता है तो आपका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म ड्रैग है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ अटैक जब बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे नहीं बन पा रहा, क्योंकि फ्लूड इसके परपेंडिकुलर आ ही नहीं रहा, फ्लूड जो है वो मुड़ जाता है, तो उसकी वजह से सिर्फ ड्रैग क्रिएट हो रहा है और लिफ्ट फोर्स जो है वो जनरेट नहीं हो रही। यहाँ पे अगर आप डी में देखें तो आपने अपवर्ड इंक्लाइन करने के बजाय जब डाउनवर्ड इंक्लाइन किया है तो एंगल ऑफ अटैक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से नीचे की तरफ बना है। जब एंगल ऑफ अटैक ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है तो लिफ्ट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो जनरेट होती है। लिफ्ट जनरेट ज़रूर हो रही है पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है।
तो इसमें से सबसे बेहतर जो है वो डायग्राम बी है कि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में भी जनरेट हो रही है और हमारा एंगल ऑफ अटैक जो है दैट इज ऑप्टिमम। ठीक है, तो हमें समझ आ गई कि बॉडी जो है उसकी अलाइनमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ अटैक के बनने। नेक्स्ट वन है लिफ्ट एंड ड्रैग रेशियो। अब हमारा जो लिफ्ट है और जो ड्रैग है, ये देखें हम पीछे देखते आ रहे हैं कि जब मैग्नेट फोर्स जनरेट होती है तो लिफ्ट भी बनता है और ड्रैग फोर्स भी आती है, तो इन दोनों का आपस का रेशियो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिफ्ट और ड्रैग रेशियो हम जिसको कहते हैं कि आपकी जो लिफ्ट फोर्स है उसको आप डिवाइड कर दें टोटल जो ड्रैग फोर्स है गिवन टाइम पे। ठीक है, तो जो हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें रिसर्च बेस्ड चीज़ है कि अगर आपका एंगल ऑफ अटैक 10 डिग्री का होता है, ठीक है, तो आपका जो लार्जेस्ट जो लिफ्ट और ड्रैग रेशियो जो है वो तब बनता है जब कोई डिस्कस जो है, जैसे हमने कोई डिस्क फेंकी है, जैसे फ्रिस्बी फेंकी है, डिस्कस कोई फेंकी है, कि डिस्कस जो है वो आपका रिलेटिव वेलोसिटी उससे 24 मीटर पर सेकंड से जो है वो ट्रैवल करे, और ये तब होता है आपका लार्जेस्ट लिफ्ट ड्रैग जब आपका एंगल ऑफ अटैक जो है वो 10 डिग्रीज हो। ठीक है, ये सिर्फ रिसर्च बेस से आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि एंगल ऑफ अटैक ऑप्टिमम होने से आपका जो लिफ्ट है और जो ड्रैग है उस पर फर्क पड़ता है। तो फॉर बोथ द डिस्कस एंड द जैवलिन हाउएवर द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू डिस्टेंस अचीव इज रिलीज स्पीड। वो ये कहते हैं कि नो डाउट आपका जो लिफ्ट फोर्स है और जो आपकी ड्रैग फोर्स है और जो आपका एंगल ऑफ अटैक है वो मैटर करता है। हमने अभी जैसे बात की थी कि एंगल ऑफ अटैक की वजह से जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो मैटर करती है, लेकिन जब आप डिस्कस है ये जो आप जैवलिन फेंक रहे हैं, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पीड का भी है कि आपने उसको फेंकते हुए कितनी स्पीड से फेंका। अगर आप एक जगह सुस्त खड़े हैं और आप उसको फेंक रहे हैं, जोर ही नहीं लगा रहे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, चाहे कितना मर्जी अच्छा एंगल ऑफ अटैक हो या लिफ्ट फोर्स जनरेट हो। तो जैवलिन और डिस्कस के लिए आपके फेंकते हुए आपने कितनी स्पीड से उसको फेंका है ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। ठीक है, ये देखिए ये एंगल ऑफ अटैक बड़ा अच्छा बन रहा है कि इंक्लाइंड है और आपके फ्लूट के जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो एंगल ऑफ अटैक अच्छा बनेगा, तो चीज़ बड़ी दूर जाएगी, लेकिन बंदा बहुत स्पीड से भी उसको फेंक रहा है, तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि आपने उसको किस तरह से फेंका है। नेक्स्ट वन है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट बेसिकली क्या है? मैग्नस फोर्स जो है ये वो लिफ्ट है, ये लिफ्ट फोर्स है जो क्रिएटेड है बाय स्पिन। ठीक है, हमने अभी लिफ्ट फोर्स की बात की, लिफ्ट फोर्स बनी वैसे ही है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो आपकी लिफ्ट फोर्स बनेगी, लेकिन अगर ये किसी स्पिन की वजह से है कि आपने कोई बॉल फेंकी और आपने स्पिनिंग उसमें ऐड किया, तो स्पिन की वजह से जो लिफ्ट फोर्स जनरेट होती है उसको हम मैग्नस फोर्स कहते हैं। और मैग्नस इफेक्ट बेसिकली क्या है कि आपने किसी चीज़ को फेंका है स्पिनिंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और जैसे क्रिकेट में आप लोग आजकल देख रहे होंगे PSL वगैरह, अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन या वैसे आप क्रिकेट देखते हो तो आप कहते हैं एक स्पिनर बड़ा अच्छा है, ये जब बॉल को स्पिन करके फेंकता है, उससे क्या होता है कि जो सामने बैट्समैन होता है वो एज्यूम कर रहा होता है कि शायद बॉल जो है वो आके बैट पे लगेगी, लेकिन एंड पे पहुंचते ही जो बॉल है वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है और सीधा विकेट को हिट कर देती है। ठीक है, या विकेट को हिट ना भी करे तो अपनी ट्राजेक्ट्री जो उसने एक पाथ है उसको चेंज कर लेती है, इसको हम कहते हैं स्पिनिंग। तो स्पिनिंग बेसिकली जो फोर्स क्रिएट करती है उसको हम मैग्नस फोर्स कहते हैं, और इस फोर्स की वजह से जो बॉल है, जो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, इस चीज़ को हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। जादू हो गया कि वो जो चीज़ है उसने आते आते एकदम से अपना रास्ता बदल लिया, तो मैग्नस इफेक्ट है ये। ठीक है, डेविएशन इन द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए स्पिनिंग ऑब्जेक्ट टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम द मैग्नस फोर्स। मैग्नस फोर्स की वजह से जो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है उसने अपनी जो पाथवे है उसको चेंज कर लिया है, वो वहाँ से डेविएट हो गया है, तो इसको हम मैग्नस फोर्स कहते हैं, मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। सॉरी, अब इसके केस में जो है वो क्या चीज़ है, आपने जो है वो बॉल को फेंका सॉरी, दो तरह की स्पिन होती हैं, एक टॉप स्पिन होती है और एक बैक स्पिन होती है, ठीक है, और एक लैटरल स्पिन भी होती है। अब टॉप स्पिन या बैक स्पिन है तो इसमें क्या बेसिक फॉर्मूला है, आपने जब ये बॉल फेंकी है तो ये जिस साइड से ये स्पिन कर रही है, ठीक है, ये इसका हेड पार्ट है सपोज, ठीक है, और ये आपका फ्लूट है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये और ये जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और इसके जो ये बॉल है, ठीक है, इसके सराउंडिंग पे हमारा जो है वो फ्लूट की बाउंड्री लेयर है, और ये जो फ्लूट है ये हमारा फ्री फ्लूट है, ठीक है, ये आराम से ये फ्री फ्लूट स्ट्रीम है और ये वो बाउंड्री है जो इस बॉल के इर्द गिर्द हमारे फ्लूट की है,
ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स जो हमारे फ्री उसके हैं ये आपस में दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, चूंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है। जहाँ पे हाई प्रेशर होता है और जहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन होती है वहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों चीजें दूसरे को अपोज करती हैं तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम है, दोनों चीजें ऑपोजिशन में है तो प्रेशर बड़ा ज्यादा है वहाँ पे। तो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स ऑन वन साइड ऑफ द स्पिनिंग बॉडी कोलाइड हेड ऑन विद द मॉलिक्यूल्स इन द फ्लूइड फ्री स्ट्रीम, दिस क्रिएट अ रीजन ऑफ रिलेटिवली लो वेलोसिटी एंड रिलेटिव हाई प्रेशर। ये जब आपने स्पिन किया उसको, ठीक है, और यहाँ से जब बॉल वापस मूव कर रही है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो सेम है, कि इसी डायरेक्शन में स्पिनिंग हो रही है और इसी डायरेक्शन में फ्लूइड के जो है वो बहाव है। तो यहाँ पे ये जब आपका जो क्या कहते हैं फ्लूइड की डायरेक्शन है ये जब उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में आपकी स्पिनिंग होगी तो ऑब्वियसली ये असिस्ट करता है, वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो हमने बात की थी कि हमारी जो लिफ्ट फोर्स है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ लगती है, तो क्योंकि ये स्पिनिंग की वजह से लग रही है तो हमने उसी लिफ्ट फोर्स को मैग्नेट फोर्स का नाम दे दिया और उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स ऑन वन साइड ऑफ द स्पिनिंग बॉडी collide head on with the molecules in the fluid stream, this creates a region of relatively low velocity and high pressure. On the opposite side of the spinning object the boundary layers move in the same direction as the fluid flow, thereby creating a zone of high velocity and low pressure. The pressure differential creates what is called as the Magnus force, a lift force directed from the high pressure region to a low pressure region. theek hai, a backspin mein isse opposite hota hai। बैक स्पिन में क्या है कि आपका जो हेड वाला है वहाँ पे आपकी जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो है वो सेम है जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल मूव कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में जब सेम होता है तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है और प्रेशर कम होता है। और यहाँ पे आप नीचे देखें कि आपका जो फ्लूइड फ्लो है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, स्पिन कर रही है। तो यहाँ पे हमारा जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी कम होती है और प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हमेशा जो लिफ्ट फोर्स है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इस वजह से हमारा जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए मैग्नस फोर्स की डायरेक्शन जो है दैट वुड बी अपवर्ड, ठीक है। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो टॉप स्पिन है जो बैक स्पिन है उसमें आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नस फोर्स है वो डिफरेंट हो जाती है। और हमने मैग्नस इफेक्ट की भी बात कर ली कि जब आपकी जो बॉल है एक पाथवे में सीधा आ रही थी और एकदम से जाके जो है वो उसने अपने पाथ से डेविएट हो गई है तो उस चीज़ में वो जो इफेक्ट आएगा उसको हम कहते हैं दैट इज़ बेसिकली अ मैग्नस इफेक्ट। जैसे आप कभी टेनिस बॉल खेल रहे हों और आप जो है वो बॉल को टॉप स्पिन के साथ हिट करें, टॉप स्पिन में मैग्नस फोर्स डाउनवर्ड लगती है, आपने टॉप स्पिन के साथ जब उसको हिट किया है तो बॉल जल्दी से नीचे आ गई, क्यों? क्योंकि मैग्नस फोर्स नीचे लग रही थी। तो आपने जो आपका जो ओपोनेंट था उसको नहीं आइडिया था कि इतनी जल्दी बॉल नीचे आ जाएगी, लेकिन आपने चूंकि टॉप स्पिन किया था बॉल को तो उसके केस में बॉल ज़्यादा जल्दी नीचे आई तो उसके बाद जो है वो दोबारा से रीबाउंड हुई लेकिन आहिस्ता, ठीक है, नीचे लगी और एकदम से रीबाउंड हुई लो लेकिन फास्ट। तो उस केस में आपका जो ओपोनेंट है उसको समझ ही नहीं आई कि बॉल एकदम से नीचे भी आ गई और दोबारा बाउंस बैक भी हो गई है, तो उसकी जो टर्न है वो मिस हो जाएगी और वो हार जाएगा या उसकी स्कोरिंग कम हो जाएगी, ठीक है। तो टेनिस बॉल वाले भी टॉप स्पिन को इस्तेमाल करते हैं खेलते हुए या बैक स्पिन को भी। इससे क्या होता है कि जब वो टॉप स्पिन इस्तेमाल करते हैं तो जो बॉल है वो जो क्या कहते हैं जल्दी नीचे आती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जब आपने उसको स्पिन नहीं किया। क्यों जल्दी नीचे आती है? क्योंकि मैग्नस फोर्स जो है वो टॉप स्पिन में डाउनवर्ड एक्ट करती है। इसके अलावा बैक स्पिन हो सकती है, ठीक है, आप उसको हिट कर रहे हैं, आप उसको बैक स्पिन कर रहे हैं, तो बैक स्पिन में क्या होगा कि बॉल आपकी जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जब मूव करेगी तो आप देखेंगे कि जब आप उसको जो है बैक स्पिन करते हैं तो मैग्नस फोर्स चूंकि अपवर्ड लगती है तो आपकी बॉल जो है वो अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारी बैक स्पिन में मैग्नस फोर्स अपवर्ड है तो बॉल की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएगी, वो अपवर्ड लिफ्ट कर जाएगी। तो ये हमने बेसिकली जो मैग्नस इफेक्ट है या जो हमारी मैग्नस फोर्स है इसको हमारी स्पोर्ट्स में जो है हम इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह से हमारे जो सॉकर प्लेयर हैं वो लैटरल स्पिन का इस्तेमाल करते हैं कि सारे जो डिफेंसिव प्लेयर हैं वो बीच में खड़े हैं, वो ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप जो है वो बॉल सीधी फेंकेंगे तो वो यहाँ से रोक लेंगे और गोल नहीं होगा।
आपने क्या किया, आपने अपना मैग्नेस इफेक्ट को इस्तेमाल किया, अपने दिमाग इस्तेमाल किया, उस पर ये एडवांटेज है कि आपने क्या किया, आपने किक करते हुए लैटरल स्पिन किया। फ्री किक में जब आपने लैटरल स्पिन किया है तो सारे डिफेंसिव प्लेयर अज्यूम कर रहे थे कि आप कि शायद वो सीधी आएगी, उसको रोक लेंगे। आपकी किक करने से जो बॉल है वो बनाना शूट में गई कि वो साइड से कर्व पास लेती हुई जो है वो गोल करके, ठीक है, कि डिफेंसिव प्लेयर बीच में थे और आपने डायरेक्शन में उस बॉल को लैटरल ऐसे स्पिन किया कि वो एक नॉर्मल डायरेक्शन लेने के बजाय एक कर्व पास ले गई जिसकी वजह से गोल हो गया। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप अपने सराउंडिंग्स में देखते होंगे, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि किस स्पेस पे जो है वो बॉल जो है वो अपने जो गोल है वहाँ तक चली गई। इसको हम कहते हैं बनाना शूट। मैग्नस इफेक्ट तब मैक्सिमम होता है जब आपका जो स्पिन है वो आपके जो फ्लूड है उसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है, कि आपके फ्लूड जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका फ्लूड मूव कर रहा है उसकी अगर उसके अगर परपेंडिकुलर हो आपका जो स्पिन है तो मैग्नस इफेक्ट जो है वो उस टाइम पर मैक्सिमम होगा। अब हमारे जो गोल्फ क्लब हैं, ये गोल्फ क्लब है जिससे आप गोल्फ खेलते हैं, उसको गोल्फ क्लब कहते हैं, जिससे आप हिट करते हैं बॉल को। गोल्फ क्लब को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये जब बॉल के साथ हिट होता है तो ये बॉल के अंदर बैक स्पिन ऐड करता है। अब हमने बात की थी पीछे कि जहाँ बैक स्पिन होती है वहाँ पे बॉल अपलिफ्ट होती है, यही वो वजह है कि जब आप अपनी गोल्फ जो बॉल है उसको हिट करते हैं क्लब से तो वो बॉल जो है वो अपलिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से क्यों, क्योंकि मैग्नेस फोर्स जनरेट होती है स्पिनिंग की वजह से और इसका जो बॉल है, ये जो क्लब है, ये बना ही ऐसे होगा, ठीक है। The loft on a golf club is designed to produce backspin on the wall. A properly hit ball rises because of the Magnus effect. ठीक है, अगर आप उसको बिल्कुल सही तरह से हिट करें तो ये यही वजह है कि इस पर बैक स्पिन जब बैड होती है तो मैग्नस फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्टेड होती है तो ये बॉल अपलिफ्ट जो है वो आराम से हो जाती है। नेक्स्ट वन है प्रोपल्शन इन द फ्लूड मीडियम। कि प्रोपल्शन क्या है फ्लूड मीडियम के अंदर। अब प्रोपल्शन जो है वो सेम वही चीज़ है जैसे आप लोग पढ़ते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कि जैसे आप ज़मीन के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं तो ज़मीन न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली आपके ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से आप आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। या अगर आप लोगों को लास्ट वाला लेक्चर याद हो तो हमने उसमें एक साइक्लिस्ट देखा था जो एक तरफ तो विंड की तरफ जा रहा था कि उसका जो हेड विंड है और जो उसकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या होता है कि आपको अपोजिशन मिलती है, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स का अंधेरी चल रही हो और आपने उसी डायरेक्शन में जाना हो जहाँ से तूफान आ रहा हो तो वो तूफान आपके ऊपर प्रेशर डालता है और आपसे चला नहीं जाता, एज़ कम्पेयर टू कि आप आगे जा रहे हैं और तूफान पीछे से आ रहा है तो वो तूफान आपको पीछे से धक्का देगा आगे की तरफ और आपको प्रोपेल करेगा आपके आगे फॉरवर्ड काम होने, आप आगे आराम से फॉरवर्ड हो जाएंगे, आपको आसानी हो जाएगी। तो प्रोपल्शन बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं। यह ड्रैग के बिल्कुल ऑपोजिट है। ड्रैग इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, जो आपको काम करने से रोके, और प्रोपल्शन वो फोर्स होती है जो आपकी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है उसको आप कहते हैं, या उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज प्रोपल्शन। और प्रोपल्शन की वजह से आगे की तरफ जब आपको मूव करी है कोई चीज़ तो उस टाइम पर जो एक ड्रैग क्रिएट हो रहा है, जो उस टाइम पर आपकी जो है वो क्या कहते हैं, जो एक फोर्स लग रही है, जो एक फ्रिक्शन आती है उसको आप कहते हैं प्रोपल्सिव ड्रैग है वो, ठीक है। तो दोनों में जो है ये फ़र्क है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारा हेड विंड का और बैक विंड का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप सामने से जा रहे हो और आपका हेड जो है वो विंड को जो है वो इनकाउंटर कर रहा है तो वो आपको रेजिस्ट करेगा, और अगर आप जो है जो हैंड विंड होती है वो रेजिस्ट करती है, और अगर आपके पीछे से हवा आ रही है और आप आगे जा रहे हैं तो पीछे वाली जो बैक विंड होती है वो आपको असिस्ट करती है, वो आपको आगे चलने में हेल्प आउट करेगी। जैसे रिसर्च में देखा गया कि 100 मीटर की स्प्रिंटिंग की जो रेस थी उसमें क्योंकि वो पीछे से हवा जो है वो आ रही थी तो टेल विंड जो 2 मीटर पर सेकंड की थी उसने स्प्रिंटर की जो स्पीड है उसको 0.18 सेकंड जो है वो बढ़ा दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बैक विंड होती है वो असिस्ट करती है। अब जो स्विमर्स हैं उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस जो है वो स्विमर के ऊपर लगती हैं, कि स्विमर जो है वो वाटर को बैकवर्ड थ्रो करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर जो है स्विमर को फॉरवर्ड थ्रो कर देता है। इस तरह से जो स्विमिंग का प्रोसेस है ये चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा बेसिकली प्रोपल्सिव ड्रैग है। अब ये प्रोपल्सिव ड्रैग थ्योरी है जो न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर बेस करती है, ठीक है, कि हमारा जो जब हम स्विमिंग करते हैं तो एक प्रोपल्सिव ड्रैग आता है जो हमें आगे की तरफ जो है वो ड्रैग कर देता है। अब ये चीज़ जो है ये कहा गया कि स्विमर्स तो बड़े जिगजैग पैटर्न के अंदर स्विमिंग करता है, वो तो स्ट्रेट बैकवर्ड बैक सो नहीं मूव करता,
ठीक है कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, बल्कि zigzag पैटर्न के अंदर जो है वो स्विमिंग हो रही होती है, तो इस थ्योरी को मॉडिफाई होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले जो थ्योरी थी वो ये कहती थी कि जैसे ही स्विमर अपना हाथ जो है और जो अपने हैंड्स हैं या जो अपने आर्म है उसको पानी के अंदर जो बैकवर्ड मूव करता है तो फॉरवर्ड डायरेक्टेड फोर्स लगती है जो कि पानी जो है प्रोड्यूस करता है प्रोपल्शन और बंदा आगे चला जाता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट पैटर्न एनेबल्स द बॉडी सेगमेंट टू पुश अगेंस्ट स्टिल और स्लोली मूविंग वाटर इंस्टेड ऑफ वाटर ऑलरेडी एक्सेलरेटेड बैकवर्ड बाय क्रिएटिंग मोर प्रोपल्सिव ड्रैग। ये क्या बात है। अच्छा, इसको मैंने इससे स्पीड पढ़ा कि मैं इसको पहले आपको समझाऊंगी फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे। वो ये कह रहा है कि ये जो थ्योरी है पहले यही थी कि स्विमर अपने हैंड जो बैकवर्ड मूव करता है तो वाटर एक प्रोपल्सिव ड्रैग लगाता है और बंदा जो है वो आगे तरफ मूव कर जाता है। इस तरह की जो मूवमेंट है ये उन्हीं लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है बस जो कि स्टिल किसी जैसे एक स्टिल वाटर है उसमें आप पानी की फोर्स लगाएं तो पानी आपको आगे ले जाएगा, या फिर ऐसा पानी जिसमें जो है वो स्लोली मूविंग वाटर हो, ठीक है, कि पानी जो है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा हो या स्टिल हो या बहुत स्लो मूवमेंट हो, तो वहाँ पे अगर आप बैकवर्ड मूव करते हैं तो प्रोपल्शन की वजह से आप आगे मूव कर जाएंगे। लेकिन ऐसा पानी जिसका बहाव ही बैकवर्ड हो तो वहाँ पे प्रोपल्सिव ड्रैग जो है वो नहीं क्रिएट हो सकते, ठीक है। तो ये हर तरफ जो है ये बात नहीं है कि आप पानी में पीछे की तरफ जोर लगाएंगे तो पानी आपको आगे ले जाएगा, ये सिर्फ वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे पानी स्टिल हो। अगर जो वाटर है वो स्टिल नहीं है, ठीक है, और पानी में जो है वो बैकवर्ड एक्सेलरेटेड है तो उस टाइम पे आपको जो प्रोपल्सिव ड्रैग है वो उस तरह से क्रिएट नहीं होगा। तो ये जो है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है आपकी जो इस थ्योरी है उसके अंदर। तो ये जो प्रोपल्सिव लिफ्ट थ्योरी है ये काउंसिल मैन ने 1971 में जो है इसको प्रपोज किया था। वो ये कहते हैं कि खाली प्रोपल्शन जो है वो नहीं है इसके अंदर बल्कि आपकी जो लिफ्ट है वो भी आती है स्विमर्स के अंदर। जैसे अभी हमने लिफ्ट फोर्स के बारे में बात की है, वो जो लिफ्ट फोर्स है वो सिर्फ आपके एयर मीडियम के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती, वो वाटर के अंदर भी प्रोड्यूस होती है। लाइक जैसे जब स्विमर स्विम करते हैं तो वो सिर्फ प्रोपल्सिव फोर्सेस को ही इनकाउंटर नहीं करते बल्कि लिफ्ट फोर्स को भी इनकाउंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने पीछे बात की थी कि हमारे जो हैंड हैं वो फॉइल शेप होते हैं, तो स्विमर जो हैं वो अपने फॉइल लाइक शेप जब हैंड को इस्तेमाल करता है और रैपिडली वो अपने हैंड की मूवमेंट से पानी को जब लैटरल मूवमेंट देता है तो जब पानी को वो बहाता है, जैसे भी हमने स्कोलिंग मोशन के बारे में डिस्कस किया था कि रैपिडेटिवली अपने जो हैंड्स हैं उनकी जो मूवमेंट करता है स्विमर, तो उसकी वजह से जो लिफ्ट फोर्स है वो जनरेट होती है। तो स्विमर को सिर्फ प्रोपल्सिव ड्रैग नहीं चाहिए कि बस उसको प्रोपल्शन मिले वो बैकवर्ड पानी कर दे और पानी उसको आगे बहा दे, बल्कि उसको स्विमिंग के लिए एक लिफ्ट फोर्स भी रिक्वायर्ड है जो उसको अपलिफ्ट रखे पानी के ऊपर ताकि वो उसके अंदर सिंक डाउन ना करे। तो इसके लिए फिर एक प्रोपल्सिव लिफ्ट थ्योरी जो है वो स्विमर्स के लिए प्रपोज की गई। वो जो बेसिक थ्योरी है उसमें 1971 में प्रपोज हुई थी और 1975 में इसको जो है वो मॉडिफिकेशन मिली कि हमारे जो हैं जो फीट्स हैं वो स्विमिंग के दौरान एज प्रोपेलर्स एक्ट करते हैं, ठीक है, वो प्रोपेल करते हैं। अब जब वो जब एज अ प्रोपेलर एक्ट करते हैं तो हमारा डिफरेंट जो जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप बैक स्ट्रोक कर रहे हैं या आप जो है वो रिकवरी फेज में हैं, तो जब आप हैंड और फीट को एज प्रोपेलर इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्टीन्यूसली आपकी जो बॉडी पोजीशन है वो चेंज होती है। जब आपकी बॉडी पोजीशन या बॉडी सेगमेंट्स कॉन्टीन्यूसली चेंज होते हैं तो आपका जो एंगल ऑफ अटैक है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, एंगल ऑफ अटैक बढ़ता रहता है। तो जब आप बॉडी सेगमेंट्स को चेंज करते हैं तो अफेक्टिव एंगल ऑफ अटैक जो है वो आप ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपका जो लिफ्ट फोर्स भी जनरेट होती है, एंगल ऑफ अटैक भी है, तो आप मैक्सिमम जो आपकी फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट है वो हो सकती है, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रोक साइकिल है पूरा स्विमिंग के अंदर उसमें आपका कॉम्बिनेशन है लिफ्ट का भी है, ड्रैग फोर्सेस भी है, प्रोपल्शन भी है, सारी चीज़ें जो है वो मिक्सिंग में काम करती हैं कि पानी भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, आपको प्रोपेल भी कर रहा है। आपके ऊपर जो ड्रैग की टाइप्स हैं जैसे वेव ड्रैग की हमने बात की थी और फॉर्म ड्रैग की बात की थी और प्रेशर ड्रैग की बात की थी, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रैग जो हैं ये भी हमारे ऊपर जो है वो एक्ट करती हैं। साथ में जो है वो आपका जो क्या कहते हैं लिफ्ट है, लिफ्ट फोर्स जो है वो भी जनरेट होती है। अब जो स्ट्रोक साइकिल है उसमें क्या है, ये बेसिकली एक स्ट्रोक टेक्निक है। स्ट्रोक टेक्निक या जो जब आप स्ट्रोकिंग करते हैं स्विमिंग के दौरान उसमें क्या चीज़ है, जैसे आप लोगों ने गेट साइकिल के बारे में पढ़ा होगा कि जब हम चलते हैं तो हमारी एक स्ट्राइड लेंथ होती है, स्ट्राइड विड्थ होती है, स्ट्राइड रेट होता है, इसी तरह से स्विमिंग जब आप करते हैं तो स्विमिंग में भी हमारी जो स्विमिंग की स्पीड है वो प्रोडक्ट है हमारी स्ट्रोक लेंथ का और स्ट्रोक रेट का। स्ट्रोक लेंथ बेसिकली क्या है ये हम मैं बाद में बताऊंगी, पहले बता देती हूँ कि स्ट्रोक लेंथ जो है ये जो कॉम्पिटेटिव स्विमर्स होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि आपकी जो स्ट्रोक लेंथ है इसका आपकी जो स्विमिंग स्पीड है इससे बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है. जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रोक लेंथ होती है आपकी स्विमिंग की स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है. ठीक है, तो हमारा जब फीमेल और मेल स्विमर्स में जब कंपैरिजन किया गया कि जब वो सेम कॉम्पिटेटिव डिस्टेंस के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, फिर रिवील हुआ कि हमारा जो स्ट्रोक रेट है वो फीमेल और मेल में सेम है. स्ट्रोक रेट का क्या मतलब होता है कि आप एक सेकेंड के अंदर कितना ज़्यादा जो है वो अपना कितनी स्पीड से आप जो है वो स्विम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रोक लेंथ जो है वो मेल्स में ज़्यादा थी. क्यों स्ट्रोक लेंथ जो है वो मेल में ज़्यादा थी? कि उनकी हाइट हम फीमेल्स की नस्बत जो है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, जिसकी वजह से जिनकी जितनी ज़्यादा स्ट्रोक लेंथ होती है वो उतनी ही ज़्यादा हायर वेलोसिटीज़ के साथ जो है वो स्विम कर सकते हैं. जाहिर सी बात है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस जो है उसको कवर कर लेगा. अब बात यह है कि स्ट्रोक लेंथ बेसिकली क्या है. आप जब स्ट्रोक लगाते हैं तो यही एक आर्म जो है वो पूरा डिस्टेंस कवर करके सामने आएगा. तो यहाँ से यहाँ तक उस आर्म का, एक ही आर्म का जो एक ही रिस्ट का, एक रिस्ट से दूसरे रिस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज स्ट्रोक लेंथ. तो स्ट्रोक लेंथ मेल्स में ज़्यादा होती है क्योंकि उनका जो आप कहें कि जो लेंथ ऑफ द आर्म है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, उनकी हाइट ज़्यादा अच्छी होती है. तो स्ट्रोक लेंथ एक ही आपका जो रिस्ट है उससे लेके जो दूसरे रिस्ट तक का जो आपका डिस्टेंस है उसको हम स्ट्रोक लेंथ कहते हैं. तो स्ट्रोक लेंथ मेल्स में ज़्यादा होती है जबकि फीमेल्स में कम होती है. इस वजह से जो हमारे स्ट्रोक लेंथ है क्योंकि उसका स्विमिंग की स्पीड से ताल्लुक है तो इस वजह से मेल ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा जल्दी स्विम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. ठीक है, ओवरऑल अगर हम एवरेज की बात करें तो. अच्छा, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ कि व्हाट बेसिकली स्ट्रोक टेक्निक इज़, ताकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाए. हम इसकी जो है वो एक देख लेते हैं, एक मिनट. ये स्ट्रोक टेक्निक है कि आप मतलब नॉर्मल स्ट्रोक कर रहे हैं. ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे हमने इसको फाइल शेप बना लिए. ठीक है, ये यहाँ से रिस्ट का डिस्टेंस जब ये अंदर ले जाएगा और फिर पीछे से दोबारा निकालेगा वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये इस रिस्ट को देखें यहाँ से फिर दोबारा इसका पीछे तक का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली स्ट्रोक लेंथ है. और चूंकि मेल्स की हाइट ज़्यादा होती है तो इनके अंदर स्ट्रोक लेंथ जो है वो ज़्यादा है. ये स्ट्रोक टेक्निक्स हैं. ठीक है, सिंपल आप स्ट्रोक कर रहे हैं. यहाँ से जब इसको दोबारा पीछे ले जाएगा ये फिर आगे लेके आ रहा है फिर इसको पीछे, तो इसी इसका यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं दैट इज बेसिकली अ स्ट्रोक. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. होपफुली जो आज का लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा. किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो रेज कर ले. इसमें कोई क्वेश्चंस हैं जो हमने बेसिकली जो फ्लूड के अंदर पढ़ा है उससे रिलेटेड हैं, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ डिम्पल्स इन अ गोल्फ बॉल इज़ क्या? सिग्निफिकेंस है डिम्पल्स की. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी जो गोल्फ बॉल है उसके ऊपर डिम्पल्स होते हैं, टर्बुलेंस होती है. क्या फ़ायदा है उस टर्बुलेंस का, कोई बताएगा? तो मुझे बता सकता है कि क्या सिग्निफिकेंस है डिंपल्स के गोल्फ बॉल पे? मैम ये बी ऑप्शन है. कौन सा ऑप्शन है? सी या बी? अल्फा. मैम अल्फा. नहीं बेटा, डिंपल्स वाला सरफेस ड्रैग के साथ एसोसिएटेड नहीं है. मैम डी ऑप्शन. मैम वो इंक्रीज
बेटा इसका सी ऑप्शन है। देखें पहला क्यों नहीं है, क्योंकि जो गोल्फ वाली जो है कि हम इस पर डिम्पल्स ऐड करते हैं वो हम सरफेस ड्रैग को मिनिमाइज़ करने के लिए नहीं करते, वो हम फॉर्म ड्रैग को मिनिमाइज़ करने के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो रियर एंड है उसकी पॉकेट में टर्बुलेंस जब कम होती है तो नेगेटिव प्रेशर जब कम क्रिएट होता है तो प्रेशर डिफरेंस कम क्रिएट होने की वजह से फॉर्म ड्रैग नहीं बनता। दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने डिम्पल्स को बनाए इसलिए ताकि डिक्रीज़ हो फॉर्म ड्रैग, इंक्रीज़ करने के लिए तो बनाया ही नहीं। तो जब फॉर्म ड्रैग डिक्रीज़ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बॉल की वेलोसिटी बढ़ जाती है कि वो आराम से मूव कर सकता है स्पीड के साथ, तो इसका ऑप्शन सी है ताकि हम इंक्रीज़ कर सकें वेलोसिटी को। अगर यहाँ पे डिक्रीज़ होता फॉर्म ड्रैग तो फिर हम कह देते कि बहुत बी एंड सी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है सरफेस ड्रैग। सरफेस ड्रैग डिपेंड्स नॉट ऑन, किस किस चीज़ पे सरफेस ड्रैग जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। हमने कहा था सरफेस ड्रैग रफनेस ऑफ बॉडी सरफेस पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बॉडी रफ होगी उतना ही ज़्यादा सरफेस ड्रैग होगा। हमने ये भी कहा है कि वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा स्किन फ्रिक्शन होगी, जितना ज़्यादा फ्लूड विस्कस होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो इस सरफेस ड्रैग होगी। तो फिर ऑप्शन यही बचता है कि फ्रंट एंड रियर एजेस, इसके ऊपर हमारी प्रेशर ड्रैग फॉर्म ड्रैग डिपेंडेंट है, ठीक है, कि वो डिपेंडेंट है कि हमारे लीड एंड में और रियर एंड में कितना डिफरेंस होता है। अच्छा मुझे बताएं ये क्या है, वो एंगल जो बनता है हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे और हमारा जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो है उसको क्या कहते हैं। आज ही पढ़ा है हमने एंगल ऑफ अटैक, जी वो एंगल ऑफ अटैक है जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे बनता है और साथ में हमारे जो डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को नहीं समझ आई तो प्लीज़ क्वेश्चन रेज कर लें। सबको समझ आ गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। नो मैम, ठीक है बेटा, ये हमारा फ्लूइड वाला भी टॉपिक जो है वो एंड हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंगुलर काइनेमैटिक्स के बारे में, वो हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके 2 लेक्चर्स हैं, तो इसके बाद हमारा जो बायोमैकेनिक्स 2 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ आप लोगों को मिड के बारे में, मिड में जो है आपके 50 MCQs हैं, कोई SEQ नहीं है, 50 MCQs के 50 मार्क्स हैं, 20% आपकी वेटेज है और फर्स्ट 13 लेक्चर्स हैं, ठीक है। चलें ठीक है, मैं इसको एंड कर रही हूँ, ओके अल्लाह। जी बेटा मैम लेक्चर्स दोबारा बता दें, आवाज बस 13 1 2 13 1 2 13, ओके मैम, ओके मैम, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ मैम।